पहले एक सरल दृष्टांत दूं, समय बहुत तेजी से पूरा हो रहा है इसलिए मैं इस बात को समेटूंगा और आगे भी बढ़ना मेरे को, जरा ध्यान से सुनना। सियाद बात का दुरुपयोग नहीं करना। सियाद बात का दुरुपयोग क्या चीज होती है जरा समझो थोड़ा सा। अपने से गिलास फूटता है और दूसरा गिलास फोड़ता है, अपने से रोटी जलती है और बहू रोटी जलाती है, नहीं लगता आपको? क्यों? पिता से नुकसान हो जाता है बिजनेस में और बच्चे में ऐसे चिल्ला के तूने नाश कर दिया, तू नहीं, यू डन, यू डिड, क्यों? उसने किया, कहां गया तुम्हारा करता भाग? मैंने अपने आप को तो साफ रखता है आदमी, हमने क्या किया भैया, वो जरा नजर चुकी रोटी जल गई, भाषा कितनी प्यारी, जल गई और सत्यनाशी तूने जलाई। अब बोल तेरा सियाद बात का क्या हुआ, एक बार नक्की करो रोटी जलती है कि जलाई जाती है। सियाद बात का दुरुपयोग है? नहीं, दुरुपयोग नहीं, ऐसा सियाद बात है। अरे रे भैया, अच्छा काम हो जाए तो मैंने किया और अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, क्रमबद्ध भारी वाला तेरा पेंडुलम। मन छोटी बात नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं यार, सभी भगवान आत्मा है कि नहीं, पक्की बात है सभी भगवान आत्मा है। अरे सास भोग कहना तो व्यवहार है, कहना व्यवहार हो, सास बहू तो कोई है ही नहीं। अभी मैं पूछता हूं, सबको भगवान देखना या सास बहू देखना? देखना चाहिए, बस यही सम्यक दर्शन हो जाए फटाफट। लेकिन क्या करेंगे पंडित जी, आपको मैं थोड़ा इंटरव्यू ले लेता हूँ, इंटरव्यू सरल पड़ता है। मैं आपके घर आया, मैंने इंटरव्यू लिया सासू से कि आपकी बहू की तो महावीर भवन में बड़ी तारीफ होती है, बहुत स्वाध्याय करती है, पूजा पाठ करती है, व्रत उपवास करती है, दान करती है। आपसे पूछ रहे आपको क्या लगता है आपकी बहू एक दो भाव में मोक्ष जाने वाली है? ऐसे इंटरव्यू लो। पंडित जी मैं जानती हूं इसको और मोक्ष मैं जानती हूं, मैं देखती हूं, बस ये इतिहास है, यह है एकांतवाद, ये है अविद्या। हमें एक दूसरे से नफरत पड़ी हुई है, बिल्कुल सेट भाई साहब। अनेकांतवाद शत्रुता का नाश करता है, विवाह का नाश करता है, जो बुरा लगता है ना द्वेष उसका नाश करता है अनेकांतवाद। और हमें सेटिंग मांगी हुई है, हम प्रवचन सुनते समय सुन भी लेते हैं, रटते समय रट भी लेते हैं, परीक्षा देके 100% से पास भी हो जाती है। लेकिन अभी बहू से पूछो तो मेरी सासू तो बहुत अच्छी लगती है, क्या शांति से पूजा करती है, कभी किसी की बुराई नहीं करती, बहुत अच्छे से सब तारीफ करते हैं उसकी तो बहुत। पंडित जी हाथी के दांत है सब, आप एक दिन इनके साथ रहो तो मालूम पड़े। ये दृष्टांत है, झूठा है ना, ऐसा कोई सच्चा नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अनेकांतवाद दिया तले अंधेरा मिटाता है। ध्यान रखना क्या कहा मैंने, अनेकांतवाद दिया तले का अंधेरा मिटाता है। आज आपको दूर का साधन भी अच्छा लगेगा, दूर के ढोल सुहावने लगेंगे और निकटवर्ती जी ट्रस्टी कर रहा है, जाने कहां से ले लिया इसको। मैं तो बहुत मना कर रहा था इन फलाचंद जी को मत लो बिल्कुल, लेकिन अब ले लिया तो ले लिया, क्या करें। अब तू जिंदगी का रोता रहे, अनेकांत का उदय नहीं होगा तुझे। पकड़ो जरा, मैं कितना बोल रहा, बोलो हाँ उसकी बात है। अरे अरे प्रभु, तुझे आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक एकांत बात का अविद्या अस्त नहीं होगी। अनुभूति में से अस्त होती है, मेहनत मेहनत है, सो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
अरे कल्पना तो करो, जब सारा जगत भगवान आत्मा दिखाई दे तो किससे पक्षपात करें, किससे राग द्वेष करें। घर घर के झगड़े हो रहे हैं इसी एकांत बात की अविद्या में से। प्रैक्टिकल बोलूं, एकांत बात की अविद्या सुनोगे? करूं? बोलो। जब पति भी भगवान आत्मा और देवर भी भगवान आत्मा, दूध देते समय दोनों के प्रति साधर्मी बात चले, साधर्मी बात चले, किसी को कम नहीं किसी को ज्यादा नहीं। मैंने ऐसा क्या हो जाता है हाथों में एकांत बात की अविद्या का करें कि जब भी मलाई जाएगी तो पति के गिलास में, भले आपको ये बात छोटी लगे लेकिन मेरे बहुत बड़ी लगती है मुझे। हमें तो एकांत बात की अविद्या का करंट है, ऐसा कभी तो होना चाहिए। घी डालते समय पति के चावल में 2 चम्मच और देवर की चम्मच में, पहली चम्मच में आधी चम्मच और दूसरी बार में आधा लोटा के भी ले आए। एक काम करो, लगाना तो चाहिए अपने घरों में भी कैमरा और फिर दिखाई जानी चाहिए पिक्चर। क्या ही भगवान, अरे जी अपना बेटा अपना और वो पराया। नहीं प्रभु, ये सारा विश्व हमें भाभी सिद्ध नजर आता है, हमारे भाई हम किसी को भी भोजन कराने के लिए तैयार, किसी को भी। पढ़ो तो आप पुरानी कहानियां, पढ़ो पुरानी कहानियां। चाणक्य और चंद्रगुप्त युद्ध में हार गए तो भागे वहां से, युद्ध में हारने के बाद भागे दोनों, घोड़े पे चले जा रहे, दूर दूर तक भोजन का कोई व्यवस्था नहीं, अपना कोई जिसको रसद कहते हैं रसद, रसद की कोई पूर्ति नहीं, सब बिखर गए। दोनों जने चले जा रहे, कहाँ जाएं? एक झोपड़ी में दरवाजा खटखटाया, वहां एक डोगरी थी, डोगरी बुढ़िया वृद्ध महिला, तो उसने बुलाया, भैया भोजन कर ले। भूखे तो थे, कैसे प्रेम से भोजन करा देते थे बताओ। ससुर घर में कुछ नहीं था, खिचड़ी थी बस, खिचड़ी परोसी और घी परोसा, घी। तो चाणक्य बीच गरम गरम खिचड़ी थी बीच में से खाने लगे तो हाथ चल गए, गरम गरम थी हाथ चल गए। सो बुढ़िया हंसने लगी, तुमने भी चाणक्य जैसी गलती करी। तो चाणक्य चौंक गए क्योंकि वो तो गुप्त रूप में थे ने, पकड़े नहीं जाए इसलिए गुप्त। अरे इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, इसको कैसे मालूम कि मैं चाणक्य हूं? तो उसने जल्दी संभल करके कहा, माता जी चाणक्य ने क्या गलती की थी? बोले चाणक्य जैसा बेवकूफ, सबसे पहला सेना लेकर के राजधानी के बीच में युद्ध करने गया। अरे सबसे पहले किनारे के गांव जीतो, फिर एक एक गांव जीतते जाओ, तब बीच में जाना चाहिए। ऐसे खिचड़ी खाने का तरीका चाणक्य जैसा नहीं होना चाहिए, साइड से खाते जाओ तो ठंडी होती जाती है, बीच में गर्म जाता। बहुत बहुत कुछ कहा इसने, मैंने समझदारी की बात जरूरत है। वो उस समय कैसे भोजन करा देते होंगे, कितना बात्सल्य होता होगा, हर किसी को करा देते बता दो। वो अभी हम देवर को नहीं करा सकते, जो अपने कुटुंबियों को प्रेम से भोजन नहीं करा सकता उसे भगवान बनने का कोई राइट नहीं। लिख लो बिल्कुल, चाहे तू समयसार पढ़ ले, चाहे तू पंच परमागम पढ़ ले, चाहे तू 11 नियमों पूर्व पढ़ ले, मोक्ष हो जाए तो फिर मुझे मोक्ष पसंद नहीं आएगा। नहीं होना चाहिए ऐसे जीवों को मोक्ष। तीन लोग के सारे जीव भगवान आत्मा नजर आए, बस देख लो। अब घर में झगड़ा हो जाए तो बता देना, और ना ज्वाइंट फैमिली हो जाए तो बता देना, झगड़ा होता ही यहां से। देरानी की जेठानी पर भरोसा नहीं, मैं पियर जाती हूं ये ढंग से खिलाती तक नहीं, और मेरे बच्चों को ये ढंग से रखती नहीं है। देरानी जेठानी ये झगड़ा हुआ ही सांस, एकांत बात की अविद्या की जड़े। अब कौन समझेगा, तुमने एकांत बात पढ़ा होगा वो किताबी ज्ञान, अनेकांत पढ़ा हो किताबी ज्ञान, हमने तो प्रैक्टिकल पढ़ा भैया, हमें तो सबसे प्रेम है, इसीलिए मैं बच्चे को प्यार करता हूँ, आप सबको भी उतना स्नेह करता हूँ। मेरे मन में पाप नहीं है कोई, मुझे पैसा वैसा का चक्कर नहीं है कि मैं इधर तारीफ करूं उधर झूठ, ना ऐसा नहीं है। समझ में आया? लगा ना भैया, प्रैक्टिकल करना, थोड़ा टाइम हो गया इसलिए मैं
अब इस विषय को छोड़ूंगा अभी यार, एकांत निकांत, लेकिन आप समझना, अरे सभी को एक दृष्टि से देखना सीखो, सभी भगवान आत्मा है, सभी भाविष्य है। और इसीलिए स्वामी जी को ऐसी करुणा आती थी, उन्होंने कभी इंक पेन से नहीं लिखा, कांजी स्वामी ने कभी इंक पेन से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें सम्मूर्छन जीव पड़ जाते हैं। जेल यूज नहीं करना भैया, कभी जेल, जेल पेन आते हैं, जेल पेन यूज नहीं करना, इसमें बूचड़ खाने का, जो बूचड़ खाना होता है ना, बूचड़ खाना, उसके ब्लड में से जिलेटिन बनाई जाती है, उससे जेल बनता है तुम्हारा, ये जेल इंक, भले कितनी सॉफ्ट हो हमें यूज नहीं करना, स्वामी जी ने यूज नहीं की। अंचना पानी हम इसलिए नहीं वापरते हैं, इसमें हमें भविष्य के आनंद सिद्ध दिखाई देते हैं। जिन जिन भाइयों ने पानी छाना हो, कार्यकर्ताओं ने, कितनी खुशी होनी चाहिए, आपने भावी सिद्धों की रक्षा करी है। ये उत्तम क्षमा है, भावी सिद्धों की रक्षा करना उत्तम क्षमा है, सबसे साधक भी वासल करना उत्तम क्षमा है, हमें कोई उत्तम क्षमा अलग से नहीं पड़ा, नहीं, यही उत्तम क्षमा है। अरे साहब हमने तो सुना एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, हम पानी के जीवों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, पानी के जीवों की आयु छोटी है तो हम क्या करें, वे जल्दी मर जाते तो हम क्या करें, फालतू चक्कर नहीं डालो पंडित जी, आप तो ये कहो भगवान आत्मा करता नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, तुम मुझे नहीं फंसा सकते, स्वयं एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, बिल्कुल सच्ची बात है, और तू पानी के जीवों की रक्षा नहीं करता, सियाद बात है ना, करता, तू पानी के जीवों की रक्षा नहीं करता, सच्ची बात है, कर नहीं सकता, सच्ची बात है, समय सारी में गाता है, निज आयु के क्षय से उनका मरण होता है, तू आयु नहीं दे सकता तो बचाए कैसे, लिखा है, बात सच्ची है, लेकिन सुन, तो उन पानी के जीवों की रक्षा करने के लिए पानी मत छान, पानी में जाने से अपनी रक्षा कर, पानी में तुझे नहीं जाना हो तो पानी छान, और नहीं तो तू पानी के जितने जीवों को इस तरह से बापरेगा, लेटरिन बाथरूम में अनछना पानी, गीजर में अनंत जीवों को तू करंट दे के पड़ेगा, तेरे अनंत भव में ठिकाना नहीं पड़ेगा, तू अनंत भवांतर नहीं करना चाहता है तो पानी के जीवों की रक्षा कर, पानी के जीवों की रक्षा कर, ये व्यवहार का कथन है, और तू पानी के जीवों की रक्षा नहीं कर सकता, ये निश्चय का कथन है, समझ में आया भैया, अकर्ता और कर्ता का व्यवहार स्यादवाद, अकर्ता कहना और कर्ता कहना स्यादवाद, मत कर। हा हा, जिनको अल्पकाल में भगवान बनना होता है वे हिंसा का व्यवहार नहीं करते, इसका नाम उत्तम क्षमा, वे किसी का चित्त नहीं दुखाते, चित्त नहीं दुखाते, चर्चा तो बहुत हो जाएगी अभी, चित्त नहीं दुखाते हैं, लेकिन अभी उत्तम क्षमा का लेना है मुझे थोड़ा सा, इसलिए अभी ये प्रकरण पर थोड़ा रोकेंगे, आज उत्तम क्षमा का दिन है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल बता दें आज, क्या दिन भर याद तो रहना चाहिए आज उत्तम क्षमा है, दिन भर तो हिंसा करते रहे, दिन भर दिन दुखाते रहे, और फिर शाम को मालूम पड़ा, बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय, सारा का सारा हिंसा हो ही गई, सारा का सारा हो ही गया, अब फिर क्षमा करी तो काहे की करी, क्षमा नहीं हुई, क्षमा किसका नाम है, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये 10 लक्षण धर्म दिगंबर मुनि भगवंतों की आत्मा की परिणति का नाम है, क्रियाओं का नाम नहीं है, क्रियाओं का नाम है ही नहीं, अभी आपने उत्तम क्षमा की क्रिया करी नहीं, पूजा पाठ करी, ये तो आपने उत्तम क्षमा रूप परिणति है नहीं, उत्तम क्षमा रूप परिणति, ओ वीतराग भाव की पूजा करी, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ, ओ वीतराग परिणति की पूजा करी, क्यों हमें भी चाहिए ना, वो बंदे तद्गुण हमें चाहिए, तो एक पहचान करो, एक तो बहिरंग प्रवृत्ति करी, ये उत्तम क्षमा का त्योहार नहीं मनाया आपने, पर्व नहीं मनाया, पर्व तो मनाने का तरीका है आत्मिक परिणति की निर्मलता, तो कैसे होगी आत्मिक परिणति की निर्मलता, कि उत्तम क्षमा बताऊं, उत्तम क्षमा व्यवहार बताना है, रात को निश्चय बताऊंगा, रात को उत्तम क्षमा का ऐसा निश्चय बताऊंगा ताकि जिंदगी भर काम आए, और अभी सुबह वो बताना चाहता हूं, जो जिंदगी भर तो काम आए लेकिन अभी कम से कम दिन भर काम आए, ठीक है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा 10-5 मिनट सुबह लेंगे अपन,
व्यवहार नहीं से और निश्चय नहीं से शाम को लूंगा, लूंगा पक्का निश्चय नहीं कर, चिंता नहीं करना, समझे जरा। क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, गायक तो कह रहा है नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले क्रोध को समझो। अपने बच्चों को आत्महित का मार्ग में नहीं लगाना ये अनंतानी मंदिर क्रोध है। वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई क्रोध नहीं है। अपने को और अपने जीवों को, अपने सहधर्मियों को आत्महित के मार्ग में नहीं लगाना, इससे बड़ा कोई क्रोध नहीं है। आपके सामने देखते देखते आपके पैसे से आपका बच्चा खोटे मार्ग में जा रहा है, केवल पैसा कमाता है इसलिए आप खुश हो, केवल पैसा कमाता है इसलिए आप खुश। एक लड़का जब तक कमाता नहीं ना तो मम्मी पापा के सामने सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि आप डांटते हो, ताड़ना देते हो, और जैसे ही 1 करोड़ का पैकेज हुआ और बच्चा फ्रेंकली पीता फ्रेंकली, और मम्मी कहती है, हमने मम्मी से कहा बेटा मम्मी माता जी आपका बेटा तो सिगरेट पीता है, आप रोकते नहीं हो? अरे बेटा हमारा बेटा बहुत अच्छा है, पीता नहीं है, वो तो दिखाने के लिए पीना पड़ती है, क्या करे, वो पार्टी होती है ना, वो क्या कहलाती है, वो कंपनी देनी पड़ती है ना, वैसे हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा। ले अब बोलो, हम तो कह रहे ऐसी कंपनी छोड़ा था ना जिसके लिए सिगरेट पीना पड़ती हूँ। एमबीए करने वाले जैन समाज का कोई लड़का एमबीए नहीं कर, मेरे से पूछो, मांस वहां खिलाना पड़े, शराब वहां पिलाना पड़े, मार्केटिंग मैनेजमेंट करने वालों को रात्रि भोजन वहां देना पड़े, होटलों में वहां जाना पड़े, 5 स्टार में पापियों की व्यवस्था करना पड़े, ऑर्डर लिखाना पड़ता है, हमारा बॉस आ रहा है अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, और उसको 1 कड़ी चाहिए, अंडे की कड़ी चाहिए, उसको तुझे लिख करके देना पड़ रहा है हाथों से, हाय हाय आग लगा दे ऐसे पैसे में। अरे उत्तम क्षमा कर अपनी आत्मा, मैं तो फिर कहता हूं भैया बहुत सोच समझ के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। यदि आप बच्चे में आत्म कल्याण के संस्कार, पूजा पाठ के संस्कार, खास तो मैं आत्म कल्याण कह रहा हूं, सब लगा लेना आप, यदि आपको ये संस्कार नहीं देते हैं तो आपसे बड़ा वैरी, आपसे बड़ा पापी, आपसे बड़ा क्रोधी विश्व में कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़े में कहा है बड़ी पिटाई सुनना हो तो 1 घंटा भी पूरे सबूत दूंगा आपको। आपने आंख बंद की, मैंने आंख बंद नहीं की है, मैं पूरा देखता हूँ, अखबार देखता हूँ, सब चीज देखता हूँ, मुझे एक एक बच्चे की रिपोर्ट पता है। अपने बच्चों के हित के मार्ग में लगाओ भाई। क्रोध किसे कहते हैं, ले लो थोड़ा टाइम तो हो गया आपका, लू के नहीं बिल्कुल निशान ले लेंगे, शाम को सूक्ष्म लेने का विचार है और कोई बात नहीं, और नहीं तो शाम के लिए बच्चा छोड़ो, शाम को जरा पब्लिक सो सकता है थोड़ी और आई तो उसे भी ठिकाने से पिटाई होनी चाहिए। लेकिन आप उत्तम क्षमा कर देने, इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, आप लोग सब समझदार हैं इसलिए आप समझो अच्छी तरह से। दूर भगावे बुरी रीतियां, ये उत्तम क्षमा है। बाप दादाओं का नाम लेकर गलतियों को मत ढो, बाप दादाओं का नाम लेकर, अज्ञानियों का नाम लेकर के गलतियों को ढोना एक क्रोध है। आप पहचान करो क्रोध किसे कहते हैं, इसे पहचान करो। शाम को लूंगा थोड़ा सा, वैसे तो इच्छा नहीं हो रही शाम को भी लेने की, शाम को मुझे पूरा निश्चय का क्रोध समझाने की इच्छा हो रही है, लेकिन लूंगा थोड़ा थोड़ा, चलेगा जैसा होगा। अभी इतना तो समझ गए ना, बाकी तो आप पढ़े लिखे हो, अच्छा आचरण करो, कल ही इशारे से कह दिया था, हम भले ही मुनि नहीं बन सकते आज की तारीख में, लेकिन 10 दिन पूरी ट्राई करो कि एक एक आचरण में मुनियों की याद आए, हमको देख के चलना, सोच के खाना, बार बार नहीं खाना, अंतराय का पालन करना, साबुन सोडे का प्रयोग नहीं करना, 10 दिन साबुन सोडे का प्रयोग नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगा, मैं इस बार मैं बहुत कम करता हूँ, इस बार मैं भी नहीं करूंगा 10 दिन,
सोचा है अंदर से, पूरी मुनिचर्या जितनी कर सकते हो करो, और आप भी करो। ये शर्म की बात नहीं कि कपड़ा मेला दिखाई देगा, अरे आत्मा मलिन हो गया, ये शर्म की बात है। उत्तम क्षमा माने क्या कहें, साबुन सोडा का पानी गटर में चला गया, असंख्यात जीव मर गए, असंख्यात जीव चितड़े चितड़े हुए, जिसे वो कसाब ने किया था ना, वो बम विस्फोट, मानव बम होते नहीं, मानव बम फट जाते हैं, सब मर जाते हैं। अरे जब अपन साबुन सोडे का पानी गटर में डालते हैं ना, तो वहां चितड़े चितड़े हो जाते हैं, इल्ली होंगे छोटे बारी बारी जीव, देखे नहीं पानी की जीव, जैसे दूध फट जाता है ना दूध, ऐसे जीव राशि फट जाती है। नहीं, 10 दिनों में ऐसे कपड़ा पहने, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी नौ दुर्गा आते हैं, नौ दुर्गा क्या कहते हैं, नव नवरात्रि, इनके फिल्मी हीरो तक नंगे पांव चलते हैं, फिल्मी हीरो। अमिताभ बच्चन उसके लड़के को मंगल था, लड़के को मंगल, तो शादी का खतरा टालने के लिए नंगे पांव 3 बजे रात को पूरा परिवार चिंतामणि गणेश तक गए थे बॉम्बे में, नंगे पांव 5-10 किलोमीटर कितना पड़ता है उसके घर से, नंगे पांव गए थे, ऐसे हाथ देखिए राम तक, माने इतने खराब लोग जो जिनका ठिकाना नहीं है, बेबी अपने को भी 9 दिन 10 दिन 9 नहीं 11 दिन सम्यकचारी तक, सम्यकचारी समझिए नहीं रत्नत्रय का आखिरी दिन, अरे रे अब हम आत्मा का श्रृंगार करेंगे, शरीर का श्रृंगार नहीं करेंगे, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम सफेद कपड़े पहनेंगे भैया, सब लोग समझ ना बेटा, नहीं हो तो एक जोड़ी खरीद लो, सब मजा आना चाहिए, एक फोटो खींचे तो समुद्र लहरा है सफेदी का, नहीं बढ़िया सब अच्छे कपड़े पहन के आओ, रंग बिरंगे कपड़े पहनने में आनंद मानो तो एक काऊ होती ना, काऊ चितकबरी का देखी, चितकबरी एक गाय होती जिसमें दाग लगे रहते हैं, समझ गए, पशुगति में बहुत होते हैं, त्रियंच में टाइगर वगैरह निशान पड़े हैं, जेवरा निशान पड़े, अपने को निशान मिटाना है कि रखना है बोलो, पक्का तो शाम को कैसे मिलोगे, चितकबरे की ठीक ठीक बिल्कुल, अरे 10 दिन तो लोगों को देख के लगना चाहिए, मैं आपको कहूँ तो पिक्चर दिख रहा हूँ 5-5 हजार 25-25 हजार पब्लिक एकदम इवन वाइट दिखाऊ, देखे ना पिक्चर दिखाना, दिखा सकती है हमारा, बॉम्बे में है, बॉम्बे में हजारों की तादाद है, हजारों की तादाद, हजार नहीं हजारों, अरे सारे सड़क पर भी सबको लगना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, लिखा है धर्म प्रभावना में लिखा है इसमें, ऐसा आचरण आचरते हैं धर्मात् जैनी लोग कि अन्य मतावलंबी, धर्म तो इनका है, उस सब तो इनका है, ऐसे उच्च कोटि का आचरण इनका है, ऐसे लिखा है रत्नगर साहब का चार्ज, तो आत्मा की निर्मलता के 10 पर्व 10 दिन के माने एक एक दिन के नहीं समझना, केवल 10 दिन के भी मत समझना, आत्मा की निर्मल परिणति सदाकाल के लिए है। आज हम उत्तम क्षमा के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए उत्तम क्षमा का दिन कहती है, उत्तम क्षमा एक दिन की नहीं, केवल आज चर्चा करने का दिन है बस, इसलिए उत्तम क्षमा का दिवस है, बाकी उत्तम क्षमा जीवन पर्यंत अनंत काल तक हमारे जीवन में रहे, शोभायमान हो इस भावना से अभी विराम दें। जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो विहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयनानं नमो
उत्तम क्षमा मारिदव आजव भाव है सत शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस साल है चहुंगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता रे आज उत्तम क्षमा पर्व का पवित्र दिवस है। हम उत्तम क्षमा की चर्चा करेंगे। उत्तम का मतलब है अज्ञानता पूर्वक नहीं, उत्तम का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक। मैंने अज्ञानता का निषेध पहले इसलिए कहा कि वस्तु स्वरूप को जाने बिना उत्तम क्षमा का जन्म नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप जानना ही पड़ेगा। वस्तु स्वरूप जानने के बाद कषाय रहती नहीं है और वस्तु स्वरूप को जाने बिना कषाय मिटती नहीं है। हम वस्तु स्वरूप की चर्चा शाम को करेंगे। मैं समझता हूं इतने वर्षों से यदि आप दस लक्षण पर्व मना रहे हैं तो सभी वक्ताओं ने आपको क्षमा के बारे में बहुत कुछ कहा होगा। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के बल में नरक जाते हैं, क्रोध बहुत बुरी चीज है और तमाम तमाम बातें सुनी होंगी। मैं उनमें से कोई बात रिपीट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने पहला वाक्य बोला था वस्तु स्वरूप को जाने बिना कष्ट दूर नहीं होता, क्रोध समाप्त नहीं होता, क्षमा स्टार्ट नहीं होती। और अज्ञानता में और सम्यक ज्ञान होने पर वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने के बाद क्रोध टिकता नहीं, क्रोध टिकेगा नहीं। आप पूछ सकते हो हम क्रोध दूर कैसे करें, तो मैं आपको वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। आप चाहो तो जैन शासन का हृदय हार्द मूल प्राण की चर्चा में कर रहा हूं, और चाहे तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं मास्टर की बताने जा रहा हूं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने जा रहा हूं। सीधे सीधे कहता हूं आज के सिद्धांत का नाम है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, इट इज मास्टर ऑफ की कंसेंट्रेट फोकस। क्या बोला मैंने, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। अभाव की परिभाषा पढ़ा नहीं, अभाव पढ़ा ही देता हूं, पहले अभाव की परिभाषा बताता हूं, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, लंबी नहीं पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अभाव। क्या बोला है? क्या बोला है? क्या यार क्या छो अभाव, ठीक। आ माने नहीं और भाव माने होना, आ माने नहीं और भाव माने होना। वर्ल्ड में किसी दर्शन में इसकी चर्चा नहीं, और मैं कहता हूं जिसने चार अभाव पढ़ लिया उसने पूरे वर्ल्ड की वस्तु व्यवस्था समझ ली। मैं इसे कहता हूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। मैं आज आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी। मैं बिल्कुल आपको इमोशनल नहीं करूंगा कि क्रोध नहीं करना नहीं करना, तुम होते कौन हो क्रोध करने वाले और नहीं करने वाले। क्रोध होता है, गलती कोई करता नहीं, गलती होती है। रोटी कोई जलाता है, जलती है। दुनिया में हर काम होता है, करता कोई नहीं है। मैं सच कहूं दुनिया का प्रत्येक प्राणी बहुत पवित्र है। हर व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है ना तो अपने ही अनवांटेड थॉट्स है,
अनएक्सपेक्टेड थॉट से परेशान है हर आदमी, हर आदमी। मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के प्रत्येक प्राणी की बात कर रहा हूं। वो नहीं चाहता कि मेरे को गंदे विचार आए, लेकिन आते हैं, बच्चे से लेकर बड़ों तक को आते हैं। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे भाव आते हैं। इसलिए मैं आज आपको बिल्कुल टेक्निकल बात बताऊंगा, बिल्कुल टेक्निकल बात। अभाव का मतलब होता है आ माने नहीं, भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। अब नहीं होने में क्या पढ़ाना चाहे यार, ये भी कोई चीज है नहीं होना। कि हाँ, नहीं होना का मतलब ये है, सब पे समझाऊंगा आपको। बोलो, आपके घर में शक्कर नहीं हो, शक्कर का अभाव हो तो दूध मीठा कर सकते हो? कर सकते हो? शक्कर नहीं हो तो कितनी सिंपल बात है। आटा नहीं हो तो रोटी बन सकती है? इसका मतलब अभाव में कुछ कर नहीं सकते। आहा, ऐसे ही जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है अभाव। एक द्रव का दूसरे द्रव में अभाव है, इसका मतलब एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। होए तो करे ने, शक्कर होए तो दूध मीठा करे ने, होए तो ने। आहा, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता। सारा जगत मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तुम दुखी नहीं होना चाहो तो कोई दुखी कर नहीं सकता। सारा विश्व एक तरफ और एक तरफ मैं, सारा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता। लेकिन हर आदमी अपने एक्सपेक्टेशन से दुखी है। सरल दृष्टांत दूं, सही बोलोगे? डरोगे तो नहीं? फटाफट बोलोगे, देर नहीं लगाना, टाइम कम है मेरे पास। जॉब करोगे बड़े होके? पक्का? चल, कितने लाख की जॉब करोगे? कितने लाख रुपए का पैकेज लोगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख? 5 लाख? चल कोई बात नहीं, 5 लाख। यदि 50 लाख का पैकेज मिले तो दुखी तो नहीं होगे? नहीं? पक्का? पक्का? अभी इसका एक फ्रेंड है, वो पढ़ने में इससे डफर है, हर बार ये उसको पास करवाता है कॉपी करा के। इंटरनेशनल जॉब की एक एग्जामिनेशन में ये भी बैठा, इसका फ्रेंड भी बैठा, इसने वहां भी उसकी हेल्प की, ये भी पास हुआ, वो